क्या तुम्हें यह पसंद है? हाँ बिल्कुल, मैं टाइटैनिक की हीरोइन जैसा महसूस कर रही हूँ। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाल मेरे चेहरे पर हैं। सुनो बेटी, मैं तुमसे बहुत दिनों से कहना चाहता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं? यह अंगूठी मेरी ड्रेस से भी सस्ती है। नहीं, मैं निश्चित रूप से इसके साथ बाहर नहीं जा सकती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास बेहतर है। या? नहीं, इसमें इसका पत्थर बहुत नकली दिख रहा है, मैं उन्हें दांत से तोड़ सकती हूँ। अच्छा, तो शायद तुम्हें यह विशाल हीरा पसंद आएगा। वाह, हाँ यह मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। देखो कितनी खूबसूरत है। Okay. Yes. हाँ बहुत खूबसूरत है। कितना बोरिंग है, जैक हमारे लिए कुछ भी प्लान नहीं करता है। सुनो केट, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, शादी का प्रस्ताव। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माय! क्या? ओह कितना अच्छा, और यह क्या है? आउच! देखो तुम मार्कर के साथ मुझे प्रपोज नहीं कर सकते, समझे? तुम समझी नहीं, तुम्हारी अंगुली में अंगूठी ड्रॉ करने के लिए मुझे इस मार्कर की जरूरत है। हाँ तब मैं सहमत हूँ, तुम बहुत प्यारे हो। अच्छा लगा, मैंने बहुत कोशिश की। मैं अपनी शादी के लिए एक शानदार ड्रेस चाहती हूँ, और यहाँ सब कपड़े बकवास है। क्या तुम्हारे पास कुछ बेहतर नहीं है? मुझे यही चाहिए। दरअसल यह ड्रेस मेरी है, मैंने उसे पहले देखा है। नहीं, मुझे यह सुंदर ड्रेस चाहिए। बढ़िया विकल्प। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप दोनों में से यह ड्रेस कौन खरीद रहा है? बेशक मैं। देखो मेरे पास कितने पैसे हैं, बहुत सारे। रुको, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, एक पूरा सूटकेस। मुझे लगता है कि विजेता स्पष्ट है। हाँ बेटी, यह अब तुम्हारी ड्रेस है। मैंने अपने जीवन में इतना पैसा कभी नहीं देखा है, क्योंकि मैं अमीर हूँ। क्या यह सही नहीं है? मुझे यह ड्रेस मिलनी चाहिए थी, लेकिन यह मुझे मिल गया। तुम कोई और दुकान में जा सकती हो। What? मैं अपनी शादी में एक असली रानी की तरह दिखूंगी। रानी की तरह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मुझे आशा है कि मेरी शादी में पहनने के लिए मेरे पास कुछ सुंदर ड्रेस होंगी। ऐसा नहीं, नहीं यह भी नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक नई शादी की ड्रेस चाहिए। बिल्कुल, मुझे खुद से ड्रेस बनाने की जरूरत है। अगर ड्रेस बैग में नहीं है तो बैग से ही एक ड्रेस बन सकता है। सुंदर है। शादी में मेरा सबसे बढ़िया मेकअप होना चाहिए, लेकिन कौन कर सकता है? वाह, मेकअप के लिए इस लड़की ने टॉप प्राइज जीता है। मुझे लगता है कि वो मेरी मेकअप आर्टिस्ट होनी चाहिए। हेलो, मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी फेमस हूँ? मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी फीस दे पाओगी। शायद मेरे पास उतने पैसे ना हो, लेकिन सोने के टुकड़े बहुत है। तो ऐसी बात है, आपको पहले बोलना चाहिए था, मैं अभी आ रही हूँ। हेलो, क्या आप तैयार हैं? कुछ पलों के बाद आप एक असली रानी में बदल जाएंगी। बातें कम, काम ज्यादा। Here we go!
यार, परिणाम देखिए, आप एक असली मॉडल की तरह दिख रही हैं। वाकई यह अच्छा लग रहा है, लेकिन यह सोने के टुकड़ों के लायक नहीं है। मैं तुम्हें $1,000,000 दे सकती हूँ। मुझे उसे कोई शिकायत नहीं है, ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं क्या करूँ, मुझे शादी में सुंदर दिखना चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैनिक्योर करवाने के लिए भी नहीं। ओ हाँ, मोनिका, हेलो। मैं देख रही हूँ कि तुम दीवारों को पेंट करती हो, क्या तुम मुझे भी पेंट कर सकती हो? मैं? हाँ, खुशी से। बचपन में मैंने हमेशा एक मेकअप आर्टिस्ट बनने का सपना देखा था। अब मैं अपने सपनों को एक मौका दे सकती हूँ। मुझे इस पोस्टर में जो लड़की है उसकी तरह बनाओ, क्या तुम यह कर सकती हो? निश्चित रूप से, इसमें मुश्किल क्या है? गुलाबी आँखें, लाल होंठ, सब कुछ बहुत आसान है। कुछ सेकंड और काम हो जाएगा। अब शुरू करती हूँ। ये तुमने क्या किया? मैं अभी क्लाउन की तरह दिख रही हूँ। मैं ऐसी दिखूंगी तो जैक मुझसे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा। मुझे लगता है ये वास्तव में अच्छा बना है। मैं बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। जैक, ये रेस्टोरेंट इतना बोरिंग क्यों है? इतना महंगा है फिर भी। मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूँ, इतने पैसे में एक मसाज ही करवा लेता। यहाँ ढंग का म्यूजिशियन भी नहीं है। नहीं, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि असली संगीत क्या होता है। क्या यह संगीत है या उबाऊ है? मैं पूरी तरह सहमत हूँ, अब मेरा शादी का मूड बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको मैक्सिकन गाना सुनाऊंगा। याद है जब हम मैक्सिको गए थे, यह उनके संगीतकारों की तरह बिल्कुल नहीं है। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मुझे आशा है कि कम से कम हिप हॉप आपको खुश कर सकता है। सुनो बेटी, क्या तुम यहाँ से निकलना चाहती हो? चलो घर पर एक फिल्म देखते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। रुको, मत जाओ। क्या तुमने ये देखा? वाह, बहुत बढ़िया, ये बहुत मजाकिया था। मजाकिया? बेशक, क्योंकि मैं एक पेशेवर हूँ, मुझे लोगों को खुश करना है। तो क्या तुम्हें ये पसंद आया? यह मजेदार था ना? है ना? बहुत, मैंने पहले कभी भी इतना ज्यादा नहीं हंसा था, ये बढ़िया है। हाँ, सही में ये इतने पैसे के लायक था, मैं बहुत हंसा। धन्यवाद, लोगों का मनोरंजन करना मेरा काम है और मैं इसे पूरी तरह से करता हूँ। बहुत मजेदार, क्या बढ़िया संगीत है। क्या तुम जानती हो कि संगीत किसने बनाया है? मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मूड अभी अच्छा है। मैंने आखिरकार उस स्किल को ठोक दी। अजी, संगीत कहाँ गया? मैं भी नहीं सुन पा रही हूँ। बहुत मजा आया, लेकिन अब नाच भी नहीं सकते। हालांकि रुको, हम संगीत बजा सकते हैं। बिल्कुल केट, तुम प्रतिभाशाली हो। बेटी, मैंने यह केक विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाया है। क्या तुमने इसे खुद बनाया है? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता कि केक को बेक कैसे करते, खास करके इतना बड़ा केक। मैंने अभी इसके लिए बहुत सारा पैसा चुकाया है। केक इतना बड़ा है कि हमें सीढ़ियों की जरूरत है। वाह, केक बहुत स्वादिष्ट है, मुझे भी चाहिए। मुझे पकड़ो। रुको, मैं तुम्हें बचाऊंगा। एक स्वादिष्ट केक, और इससे गिरना भी मजेदार है। वो पक्का है, लेकिन केक अभी भी स्वादिष्ट है। मैं तुम्हें हरा दूंगी। नहीं, मैं जीतूंगा। लेकिन नहीं, ताड़ा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं जीतूंगी। क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? यह सही नहीं है। बिल्कुल, मैं पूरी तरह से केक के बारे में भूल गई। जैक, केक थोड़ा जल गया है, लेकिन अभी भी स्वादिष्ट होगा। मैंने इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनाया है, मुझे आशा है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। मैं इसे कैसे खाऊं? मेरे पास काटा नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं इसे खा नहीं पाऊंगा। चिंता मत करो, मेरे पास एक कांटा है, अब तुम मेरे केक को खा सकते हो। धन्यवाद, यह बहुत प्यारा है। ओह, केक इतना स्वादिष्ट है कि कांटा भी टूट गया। लेकिन चिंता मत करो, मैं अभी भी इस अद्भुत केक को खाऊंगा। स्वादिष्ट है ना? मुझे आशा है कि तुम्हें यह पसंद आया।
एक और बाइट खाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट, ये मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए मैं स्वादिष्ट केक को निगल नहीं पा रहा हूँ। वो बहुत प्यारा है जैक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। टेड, क्या तुम एक खूबसूरत बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। और तुम बेटी, क्या तुम टेड को अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी? हाँ निश्चित रूप से। तब मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ। बधाई हो टेड, अब तुम अपनी दुल्हन को किस कर सकते हो। खैर बेटी, क्या तुम मेरे साथ एक लंबे छुट्टी में जाना चाहती हो? मेरा विश्वास करो, तुम्हें यह पसंद आएगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे सरप्राइजेस हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। चलो चलते हैं। हाँ अजीबो गरीब अमीर लोग। केट, क्या तुम इस आदमी से शादी करोगी? हाँ। और चश्मे वाले आदमी, क्या तुम इस अजीब लड़की से शादी करोगे? हाँ। कितना अच्छा, फिर तुम दोनों अब किस कर सकते हो। कितना बेकार। केट, और अब मैं तुम्हें अपना सरप्राइज दिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पूरे दिन कार में सवारी कराऊंगा। वाह चलते हैं। अजीब कार, एक सुपरमार्केट कार्ट की तरह ज्यादा दिख रहा है। अच्छा वे मेरी फोटो लेना चाहते हैं? फिर तुमने मुझे ये पेपर क्यों दिया? ये मेरी ड्रेस से मेल नहीं खाता है। लड़कियों जल्दी से मेरे पास आओ। क्या हो रहा है? मैं किसी की तस्वीर नहीं लेने जा रहा हूँ, मुझे केवल बेला चाहिए। ये मेरी दोस्त है, मेरे पास उसके बिना फोटो नहीं हो सकती। एक फोटो ले लो। तुम क्या कर रही हो? मुझे सबसे अच्छी फोटो चाहिए। लड़कियों बाहर निकलो। ठीक है, इतने पैसे के लिए मैं एक फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा, मैं सुंदर हूँ? अरे हाँ आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं यहाँ हूँ। अरे पुलिस, अब आपको मेरी तस्वीर लेनी है या नहीं? नहीं तो मैं जा रही हूँ। yes. क्या तुम मुझे पैसे गिनने से रोक रही हो? ओ ठीक है, मैं फोटो के बारे में भूल गया हूँ, लेकिन मैं अब मुफ्त में फोटो नहीं लूंगा। और मेरा कैमरा भी खराब हो गया है। क्या करूं? क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं, मुझे तुम्हारी तस्वीर बनानी है। मुझे लगता है कि तस्वीर अच्छी बनेगी। तैयार हो गया, एकदम असली की तरह। मैं एक अच्छा कलाकार हूँ। क्या क्या मैं ऐसी हूँ? तुम कितने बेकार हो। वेलकम मिस बेला, अपने सेल में आओ और अपने घर जैसा महसूस करो। शुक्रिया। रुको, क्या यह मेरा कमरा है? लेकिन इतना खराब है, कितना खराब रंग है, और यहाँ तो बदबू भी आ रही है। नहीं, मैं ऐसी झोपड़ी में नहीं रहना चाहती। सुनो पुलिस ऑफिसर, मैं आपको पैसे दूंगी और आप मेरे कमरे को अच्छा बना दो। आशा है इतना पैसा काफी होगा। ठीक है, मैं दुकान जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। मैं विशेष रूप से इन फूलदानों के लिए आई किया गया था। आशा है कि वो इसे पसंद करेगी। मैंने कुछ तस्वीरें भी खरीदी हैं। जेल इतना बुरा नहीं है, यहाँ फुटरेस्ट भी है। यहाँ बहुत डरावना है, इतना छोटा कमरा। मैं इसे और अधिक आरामदायक कैसे बना सकती हूँ? मुझे यहाँ बहुत दिन तक रहना है, मुझे कुछ अच्छा सोचना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं अपने सेल के लिए फर्नीचर नहीं खरीद सकती तो मैं पेंट तो जरूर कर सकती हूँ। बहुत सुंदर। ये बिल्कुल असली लगता है। ये सच है कि चौक सोफे को बिल्कुल नहीं बचा सकता। खैर जो है सो है। मुझे बहुत भूख लगी है। पुलिस ऑफिसर, क्या आपके यहाँ कैंटीन है या मैकडॉनल्ड? आपके लिए सब कुछ, ये रहा मेन्यू। वाह बहुत अच्छा, मैं शायद सब कुछ लूंगी। सब ठीक है,
खाना स्वादिष्ट है। हमारे रसोई कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। मैंने सोचा भी नहीं था कि जेल में खाना होटल से बेहतर होगा। मैं बहुत खुश हूँ। क्या मैं एक पिज्जा का टुकड़ा ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, वो मेरी है, इसके बारे में सोचो भी मत। अरे पुलिस ऑफिसर, मुझे भी बहुत भूख लगी है। ओह, इस बारे में मैं पूरी तरह से भूल गया था। मुझे क्या मिलेगा? पिज्जा और सुशी, शायद बर्गर और एक फ्रेंच फ्राइज होगा। नहीं, पॉरिज, तुम्हें पॉरिज मिलेगा। क्या बदबू आ रही है? मैं इसे नहीं खा सकती। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है कि स्वादिष्ट तरीके से कैसे खा सकते हैं। यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक मुश्किल निकला, पर यह मेहनत के लायक है। यहाँ इतना ज्यादा स्वादिष्ट खाना है, जल्दी से मुझे ये सब ले लेना चाहिए। अरे क्या वहाँ, क्या है वहाँ, कौन है? मुझे लगता है मुझे अब भाग जाना चाहिए। रुको, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, तुम मुझसे बच नहीं सकती। मैंने कितना खाना खा लिया है, अब मैं छेद से भी नहीं निकल पा रही हूँ। पुलिस बचाओ। अरे मैडम, आप वहाँ कैसे पहुँची? छेद कहाँ से आ गया? मैं आपको जल्दी से निकाल लूंगा, जल्दी करो। मैं कोशिश करता हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। लगता है कोई मोटा हो गया है। मैं बर्गर खा सकती हूँ और ये मैडम फर्श पर लेटी हुई है उस तक पहुँचने के लिए। अरे ये बहुत खराब है, मेरा आईफोन 10 पहले ही डिस्चार्ज हो चुका है। मैं नए नए फोन खरीद कर थक चुकी हूँ, कितना बोरिंग है। अपने को अब कैसे बिजी रखूं? पुलिस ऑफिसर, मैं ऊब गई हूँ, मेरा मनोरंजन करो। मैडम मैं पहले से ही यहाँ हूँ, आपके पैसे के लिए कुछ भी। वाह, तुम कितना मस्त नाच रहे हो। हाँ, तुम जानते हो कि एक महिला का मनोरंजन कैसे किया जाता है। यह लो, पैसा पकड़ो और नाचो, नाचो और पैसा पकड़ो। पैसे वो मेरे हैं, मैं अमीर हो जाऊंगा, बहुत बढ़िया। मुझे मजेदार मनोरंजन मिला है, और वास्तव में मैंने यहाँ एक मित्र भी बनाया है। उसके साथ हम बेला से भी बेहतर मस्ती करते हैं, वो भी मुफ्त में। ऐसा लगता है कि नहाने का समय हो गया है, लेकिन अगर पानी ना हो तो स्नान कैसे करें? बिल्कुल सही, मेरे पास एक जीनियस प्लान है। जब हम लोग कैंप कर रहे थे तो हमने दो शाखाओं से आग लगा दी थी। मुझे लगता है कि मैं अभी भी यह ट्रिक कर सकती हूँ। चलो बताओ आग कहाँ है। वाह, अब फायर अलार्म ऑन हो जाता है और मुझे मिलता है फ्री का शावर। घर पर भी मैं इतनी अच्छी तरह से शावर नहीं लेती, पानी बहुत महंगा है। Hey! अरे इसमें मैं क्या करूं? Oh, no! मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। जेल में रहना कितना अच्छा है। क्या बकवास है, बदबू। ओह, मैं यहाँ नहाई नहीं हूँ, मैंने ये कैसे नहीं सोचा, क्या करूँ? पुलिस मुझे बचाओ। आपको क्या चाहिए मैडम? शावर, मुझे तैरना है। आपको इस सेवा के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, ये बहुत महंगा है। कोई बात नहीं, पैसे की कोई समस्या नहीं है। स्विमिंग पूल आपके लिए ठीक रहेगा। निश्चित रूप से, ये एकदम सही होगा। समझ गया, काम हो जाएगा।
अरे क्या हो रहा है, दीवारें बंद हो रही हैं। उफ भयानक। अरे मैरी चिल्लाओ मत, मैं मैडम बैला के लिए एक अच्छा सा स्विमिंग पूल बना रहा हूँ। तुम्हें पसंद है? बिल्कुल, यह बहुत अच्छा है। अब इस जेल से निकलने का समय हो गया है, बहुत हो गया। अब मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगी। लगता है पुलिस वापस आ गई है, मुझे छिप जाना चाहिए। मैं शायद इसमें नहीं समा पाऊंगी, लेकिन मेरे लिए बैग सही रहेगा। शॉपिंग पर जाना कितना अच्छा है। जी, मुझे लगा कि बैग खाली है, लेकिन यहाँ कचरे का एक पूरा अंबार है। बदबू। आशा है मुझे कोई रास्ता मिल जाएगा। मैं इसे पाइप पर कभी नहीं चढ़ी हूँ, मैंने इसे केवल फिल्मों में देखा है। मुझे लगता है कि मुझे एक रास्ता मिल गया है। आजादी, मुझे आजादी चाहिए।